हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में कस्टमाइजेशन के लिए आपको गुड लक की ऐप मिलती है दोस्तों। उसके अंदर एक ऐप के अंदर अपडेट आया है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वंडरलैंड का और कमाल का एक नया फीचर वहाँ पर ऐड ऑन किया गया। क्या ये नया फीचर ऐड ऑन किया गया और ये ऐप कैसे काम करती है, सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ गुडलॉक ऐप के, या बोल सकते हैं गुडलॉक ऐप के वंडरलैंड के अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाने आना है या गैलेक्सी स्टोर में, या आप वहाँ डायरेक्टली जा सकते हैं अपने गुडलॉक वाली ऐप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे वंडरलैंड ऐप के अंदर आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका वर्जन नंबर है 1.5.09 और इसके अंदर आपको क्या लिखा है, सपोर्ट न्यू लॉक स्क्रीन इफेक्ट फ्लोइड करके यहाँ पर एक नया इफेक्ट डाल दिया गया है। साथ में कुछ इश्यूज होंगे जो कि फोल्डेबल डिवाइस में आ रहा है, उसको फिक्स कर दिया गया है और कुछ यूआई को बेटर किया गया है। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट को रिलीज किया गया है 29 मार्च 2024 को, जिसका साइज़ है 87.40 MB का। तो कर लेते हैं इसको अपडेट, फिर मैं आपको बताता हूँ। फाइनली हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैंने कर लिया उसको ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं जा रहा हूँ क्रिएट लॉक स्क्रीन इफेक्ट। जैसा कि वहाँ पर लिखा है कि लॉक स्क्रीन इफेक्ट में कुछ नया डाला गया है, तो यहीं चले जाते हैं क्रिएट लॉक स्क्रीन इफेक्ट में। मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं अपनी कोई सी भी एक फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लिया है। इम्पोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको ऐसा रख दिया। अब बात करें इफेक्ट की, जैसा कि वहाँ पर लिखा था कि फ्लूड करके इफेक्ट आया, तो मैं आ गया इफेक्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पर आप सबसे लास्ट में जाएंगे तो वो इफेक्ट आपको मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिख ही रहा होगा फ्लूड करके इफेक्ट आपको ये आया गया है। अब ये किस तरीके से काम करेगा वो देख लेते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन ऑफ़ किया और स्क्रीन को ऑन कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये काम करेगा जैसे कि लाइट ऑन ऑफ होती है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क में भी जाएंगे तो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको कर लिया सेव। कस्टमाइज़ करना है कुछ, स्पीड में कुछ करना है वो कर सकते हैं। और मैंने यहाँ डाउनलोडिंग करके यहाँ पर इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने इसको कर दिया सेट एज़ वॉलपेपर। अब ये हो चुका है सेट एस और आप देखिए अब जब भी मैं लॉक करके अनलॉक करूँगा तो कुछ इस इफ़ेक्ट्स में वो आपको दिख रहा होगा आते हुए। और इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप और कोई दूसरा इफेक्ट लेना चाहें और भी इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर, अभी इससे पहले वाले अपडेट में ये स्लाइड वाला आया था, आप चाहें तो ये स्लाइड वाला डाल सकते हैं, फ्लिप डाल सकते हैं, स्लाइड्स डाल सकते हैं, हेरकोन्स डाल सकते हैं, ब्लर डाल सकते हैं, एज डाल सकते हैं, व्रेप डाल सकते हैं, स्पैर डाल सकते हैं, राइपल डाल सकते हैं, पिक्सलेट डाल सकते हैं और CART डाल दें। लाइक मैंने यहाँ पर डाल दिया एज वाला और मैंने इसको यहाँ से वापस ओवरराइट कर दिया मैंने उसको कर दिया सेट एज वॉलपेपर। अब ये हो चुका है सेव। अब जब भी मैं अनलॉक करूँगा वो मुझे एज में आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं एज इफेक्ट्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो वंडरलैंड बहुत शानदार ऐप है, जिससे आप बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखी है और वो अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता रहा हूँ, तो मैं पूरी वीडियो भी लाऊंगा। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप हमारे लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे व्हाट्सएप के चैनल पर भी मुझे फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।